एन खिलाफत न्यूज, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। एन खिलाफत न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूँ शकील सिद्दीकी। दर्शकों, आपको बता दें कि आज मुहर्रम की 3 तारीख है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुहर्रम को लेकर जो पाबंदियाँ लगाई है और जिस तरह की गाइडलाइन आई है, उसे लेकर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि ये वही जगह है आसफी इमामबाड़ा, जहाँ पर आज के दिन यानी कि मुहर्रम की 3 तारीख को आजादारों का हुजूम दिखाई देता था। सामने की सड़क हम आपको दिखाते हैं, लोगों का आवागमन जारी है, बाजारें खुली हैं, बाजारों में भीड़ है, सरकारी दफ्तरों में भीड़ है, लेकिन अगर कहीं पर पाबंदी है तो वह मुहर्रम को लेकर है, आजादारों को लेकर है। आजादार सड़कों पर निकल नहीं सकते, मजलिस और मातम कर नहीं सकते, लेकिन बाजारें खुल सकती है, बाजारों में लोगों का हुजूम इकट्ठा हो सकता है, सरकारी दफ्तरों में लोगों का हुजूम इकट्ठा हो सकता है, उससे कोरोना नहीं फैलता। कोरोना सारा अगर फैल रहा है तो वह मुहर्रम पर होने वाली मजलिस और मातमों को लेकर है। तो तस्वीरें हमने आपको आज भी दिखाई और हैदराबाद की वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जहाँ पर पुलिस प्रशासन अपनी मौजूदगी में आजादारों के जुलूस को निकलवा रहा है पूरे कोविड के नियमों के साथ, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है कि मानती नहीं। जिस तरह के नियम आए हैं, जिस तरह की पुलिस महानिदेशक की गाइडलाइन जारी हुई है, वो एक चौंकाने वाली गाइडलाइन है, जिससे न सिर्फ मुस्लिम समाज बल्कि हर तबके की भावनाओं को आहत किया गया है। मुहर्रम का ये ऐसा महीना होता है, पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक लोगों का यहाँ पर आना जाना रहता है, दूर दराज से लोग यहाँ की आज़ादारी और मजलिस और मातम को देखने के लिए आते हैं, लेकिन सारी नियम सारे जो गाइडलाइन है वो मुहर्रम पर लागू हो जाते हैं। लोग सबीले नहीं लगा सकते, लोग काले झंडे नहीं लगा सकते, अपने फर्ज को नहीं मना सकते। तो ये कैसी सरकार है और कैसे इसके नियम है कि आप देख सकते हैं आवागमन कैसे जारी है, क्या इससे कोरोना नहीं फैलता, क्या इससे कोविड की गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं होता, सामने कर जब आपको बताते हैं, सामने देख सकते हैं किस तरह से लोगों का आना जाना जारी है। अगर नहीं है तो आजादारों का यहाँ पर नहीं है, आजादार निकल नहीं सकते। लबैक या हुसैन की जो सदाएं पूरे महीने गूंजा करती थी, अब वो कहीं सुनाई नहीं देती है। देखिए आप किस तरह से, हम आपको दिखाते हैं सामने रूमी गेट है, नज़ारा देखिए, लोगों का आना जाना जारी, पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है, तो कोरोना को प्रभावित नहीं करती, अगर प्रभावित करता है तो मुहर्रम का ये पर्व और आजादारों की जो सदाएं गूंजा करती थी वो, या फिर मौसम कलिया खामोश है, ईमानदार खामोश है, सड़कों पर सन्नाटा रहता है, रात का समय हो या दिन का, लेकिन लोगों का आवागमन जारी है, सरकारी दफ्तर खुल रहे हैं, राजनीतिक रैलियां भी हो रही है, पार्टी में अपनी बैठकें भी की जा रही हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सारे नियम और कानून योगी सरकार के और बने रहे। हमारे साथ पल पल की ताज़ा तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमसे जुड़ी तमाम जानकारियाँ आप तक पहुँचें।